अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.5। इसमें हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पहले करेंगे, जो कि इस पूरे एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट हैं और वो पूरे इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग जब दो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने लॉग के ऊपर अप्लाई किया एम पे तो लॉग एम आ गया, और जब वो मल्टीप्लाई पे अप्लाई हुआ तो वो बन गया जी प्लस और फिर हो गया लॉग एन। इसी तरह अगर लॉग अप्लाई होगा जो दो नंबर्स जो कि डिवाइड हो रहे हैं उनके ऊपर लॉग अप्लाई करते हुए लॉग एम, और ये जो डिवाइड का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ये लॉग की ही प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कि अगर लॉग किसी नंबर पे पावर हो तो पावर जो ये पावर है वो साइड पे आ जाती है n log m इस तरह से। अब ये लॉज जो हैं आपको मज़ीद तब समझ आएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। लर्नर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर वन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इसमें से एक शॉर्ट लाजमी आता है। तो आपने इसमें क्या करना है, लॉग 81 को पहले तो आप लिख लें लॉग। अब ये ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं 9 और 81 की, ऐसा नहीं करना गलत हो जाएगा। तो क्योंकि लॉग साथ लगा हुआ है इसलिए कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 81 को पहले हम लिखेंगे लॉग 9 का स्क्वायर, क्योंकि हमने नीचे वाला लॉग 9 ख़त्म करना है इसलिए हमने उसको ऊपर वाले को भी 9 की पावर में लिख लिया और ये लॉग 9। अब प्रॉपर्टी अभी हमने क्या डिस्कस की थी कि जो पावर होती है लॉग के साथ जो बेस है उसकी जो पावर होती है वो साइड पे आ जाती है, तो 2 लॉग 9 ओवर लॉग 9 इस तरह से आ जाएगा। अब कैंसिलेशन हो सकती है, लॉग और लॉग कब कैंसिल हो सकते हैं, अगर वो उसके आगे जो बेस है वो भी सेम हो, ये अब ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2। अब लॉग 36 ओवर लॉग 6 है तो हम 36 को 6 की पावर में लिख लेंगे लॉग 6 स्क्वायर ओवर लॉग 6। अब जो पावर है वो आ जाएगी साइड पे, 2 लॉग 6 रह जाएगा ओवर लॉग 6। अब जो इसका लॉग 6 है वो कैंसिल हो सकता है और आंसर 2 आ जाएगा। इस पार्ट थर्ड में हमने 243 की फैक्टराइजेशन करनी है। 243 के 3 के हिसाब से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इसकी 3 की पावर बनती है 3 पावर 5, लॉग 3 पावर 5। अब क्योंकि हम इसको 9 की पावर में नहीं लिख सकते थे इसलिए हमने इसको 3 के साथ फैक्टराइज कर दिया, और लॉग 9 को भी हमें 9 के भी फैक्टर्स 3 के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। अब इसके ऊपर दोनों पे रूल अप्लाई होगा कि जो पावर है वो साइड पे आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 लॉग 3 ओवर इसकी पावर 2 है जो साइड पे आएगी 2 लॉग 3। अब लॉग 3 और लॉग 3 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 5 बाय 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लॉग इवेल्यूएट करना है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉग सब में मौजूद है तो हमने लॉग लेना है कॉमन, तो लॉग कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लेंगे तो 5 और ये जो प्लस का साइन है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और ये जो माइनस का साइन है ये इसको डिवाइड कर देगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब क्या बनेगा लॉग 5 4 टाइम्स 20, 23 टाइम्60 ओवर 6। अब इसको कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये लॉग बाहर है और ये जस्ट ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो सकती है, तो ये आ जाएगा 6 10 टाइम्स 60 और लॉग 10। लॉग 10 का आंसर आता है जी 1, ये इसका आंसर आएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी लॉग 10 1 होता है, लॉग 100 2 होता है, लॉग 1000 3 होता है, ये जो है कुछ लॉग्स होते हैं जो हमें अंडरस्टूड होते हैं और याद होते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी लॉग कॉमन लेंगे, और लॉग कॉमन लेते हुए जो आपके पास प्लस में नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे और जो माइनस है वो डिवाइड में चेंज होगा। अब इसकी आपने कटिंग करनी है तो ये 0 0 से कट कर लें, 2 3 60 और यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें 3 8 टाइम्स 24 होता है, तो अब इसको आपस से मल्टीप्लाई कर ले तो 5 8 टाइम्स 40 एंड 40 25 टाइम्स 1000। लॉग 1000 का आंसर क्या आएगा,
3। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 10 का 1 होता है, 100 का 2, 1000 का 3, इस तरह जितने जीरोज़ बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। 4 जीरोज़ होंगे तो लोग 10000 का आंसर 4 आएगा। तो जी यहाँ एक और प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है लोग की, जो कि है कि अगर आपने ये पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर पावर ऊपर हो तो वो साइड पे आ जाती है, इसमें हमने उलट करना है। ये जो साइड पे लिखा हुआ है इसको ले जाएंगे पावर में, क्योंकि हमने लॉग कॉमन लेना है। तो ये लॉग 3 पावर 2 आ जाएगी, 3 पावर 2 प्लस लॉग 4 पावर 3 प्लस लॉग 5 पावर 4 माइनस लॉग 6 पावर 2। क्योंकि हमने लॉग कॉमन लेना था तो जिसके साइड पे नंबर्स हैं उनको हमें कहीं अलग करना था, तो वो जो हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर कोई नंबर साइड पे हो तो वो उसकी पावर में लिख सकते हैं, अब आपने लिख लेना है लॉग बाहर। और ये जो 3 पावर स्क्वायर प्लस जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 और माइनस वाला आ जाएगा नीचे 6 पावर 2। अब इसकी पावर्स ओपन कर लेते हैं। लॉग 3 स्क्वायर इज 9, 4 पावर 3 इज 64, 5 पावर 4 इज 625 एंड 6 पावर स्क्वायर इज 36। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 10,000। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसे 36 से डिवाइड करेंगे तो लॉग 10,000 आएगा और लॉग 10,000 का आंसर आता है 4। फोर्थ पार्ट, इसमें भी हम लॉग 5 पावर 2 जो साइड पे है उसको लिख लेंगे पावर में, ताकि हम लॉग कॉमन ले सकें आसानी से। लॉग 4 पावर 1/2 आ जाएगी और इसको हम लॉग अब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लॉग 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 और ओवर 4 पावर 1/2। लॉग 5 पावर 2 इज 25 मल्टीप्लाई 8 ओवर 4 पावर 1/2 इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि आंसर 2 आता है। जैसे 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो ये 4, तो 4 का स्क्वायर रूट लें आंसर 2 आएगा। यहाँ पे इसको आप कटिंग करेंगे, 2 4 टाइम्स 8 होता है और 25 4 टाइम्स होता है जी 100। लॉग 100 का आंसर 2 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, लॉग 200 प्लस लॉग 5, लॉग कॉमन लेंगे और ये 200 और प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा जी लॉग 1000 और लॉग 1000 का आंसर 3 आ जाएगा सिंपली। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सिंपलीफाई विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। तो आपको लग रहा होगा ये तो जी बहुत अजीब सी वैल्यूज़ आ गई तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने लॉगरिथम टेबल यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो आपने जस्ट इस पर क्या करना है, जैसे अभी आपने किया कि लॉग ले लेना है कॉमन और उसके बाद 1.3472 प्लस चेंज होगा मल्टीप्लाई में 22.79 और माइनस चेंज होगा डिवाइड में 5। ये इसका आंसर है, इसके बाद आपने नहीं करना, ये जस्ट आपने क्योंकि सिंप्लीफाई करना है विदाउट यूजिंग एनी टेबल और लॉगरिथम, तो फिर ये बस आपने इसको प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको इस तरह से लिख लेना है। इसकी ज़्यादा अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप एग्जांपल नंबर 3 के क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें भी लॉग कॉमन लेंगे तो लॉग 22.13 प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होगा 0.354, ये प्लस से मल्टीप्लाई में चेंज होगा 7, माइनस चेंज होगा डिवाइड में ओवर 3। ये इसका आंसर आ जाएगा, फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट, लॉग कॉमन 57.86 प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होगा 4.385, माइनस चेंज होगा जी डिवाइड में 2.391 और ये माइनस भी जो है डिवाइड में आएगा 3.072 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि दोनों माइनस थे वो नीचे आ गए लेकिन आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये इसका आंसर आएगा। फोर में आपने लॉगरिथम टेबल या कैलकुलेटर यूज़ करते हुए क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये क्वेश्चन जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि एक क्वेश्चन ये इस तरह का लाजमी आता है, तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लाजमी कर लेने हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, लेट कर लेना है पहले x इक्वल टू दिस होल क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो जितने अच्छे स्टेप्स और जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे आप उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग
या प्लाइंग लोग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो कोई भी जल्दी का काम नहीं है, बस आप इसको स्टेप वाइज सारे क्वेश्चंस, सारा जो इसका प्रोसीजर है वो क्लियरली करें। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लॉग अप्लाई करना है और प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा लॉग 2.38 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, और फिर ये जो लॉग है 3.901 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब ये डिवाइड पे लॉग अप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और नीचे वाले के साथ जब लॉग आएगा 4.83। इस तरह से अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है डायरेक्टली, लॉगरिथम टेबल यूज़ नहीं तो यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे आपने जस्ट कैलकुलेटर का यूज़ करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का, एक अच्छे कैलकुलेटर का यूज़ करें। लॉग 2.38 निकालना है, लॉग 2.38 तो ये आपके पास आ जाता है 0.3765। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आंसर लिखना है। नेक्स्ट इज लॉग 3.901, लॉग 3.901 ये इसका आंसर आता है 0.5911। और ये जो इससे अगला 7 है, अगर इसको आप राउंड ऑफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा आंसर आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 0.5912, क्योंकि 7 को जो है वो 1 को राउंड ऑफ करके 2 कर देगा। नेक्स्ट इज लॉग 4.83, लॉग 4.83 इसका आंसर आता है जी 0.6839, और 4 जो है क्योंकि वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि वो 5 से छोटा है, 6839 ये आ जाएगा। अब आपने ये जो सारे नंबर्स आए हैं इनको प्लस माइनस जैसे भी उनके दरमियान में साइन है वो करना है। 0.37665 प्लस 0.5912 माइनस 0.6839, और ये आपके पास आ जाता है 0.2838। सिलेंडर्स यहाँ तक करने के बाद आपने लॉग एक्स है यहाँ पे, क्योंकि आपने एक्स फाइंड करना है तो लॉग वहाँ जाके हो जाएगा एंटी लॉग। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिखेंगे एंटी लॉग 0.2839। अब एंटी लॉग कैसे लेना है, जो आपका आंसर आया है इसी करेंगे, शिफ्ट करके लॉग प्रेस कर दें तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, और इसके बाद आंसर शिफ्ट लॉग और जो आंसर आया है वो करके इक्वल प्रेस करें तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1.922। बल्कि अगर हम 1.92 के आगे 6 को राउंड ऑफ करें तो 1.923 बनता है, जो कि बुक के आंसर के साथ मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम इसको लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 8.67, नॉट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 8.67 मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में लॉग 3.94, और डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में लॉग 1.78। और इसका अब हमने कैलकुलेटर से लेने हैं, लॉग 8.67 का आंसर आता है 0.9380। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं, प्लस लॉग 3.94 0.5954 के बाद 9 है तो 9 4 को राउंड ऑफ करेगा तो ये 5 बन जाएगा माइनस। तो एक्यूरेट आंसर के लिए आप राउंड ऑफ करें तो एक्यूरेट आंसर आएगा बिल्कुल। लॉग 1.78 इक्वल टू 0.2504, अब इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ये आता है 1.2831, और यहाँ पे लॉग एक्स है, और अब क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है तो ये वहाँ जाके हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.2831। तो यही जो आंसर आया है इसी का हम शिफ्ट करके लॉग अप्लाई कर देते हैं इस पे ऑफ आंसर, तो ये आंसर आ जाता है 19.19, एक्स इक्वल टू
19.19। तो जो आंसर है उसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट्स भी काफ़ी हैं, लेकिन जो आप वर्किंग करते हुए पॉइंट के बाद आपने फोर डिजिट्स लिखने हैं, आंसर में पॉइंट के बाद दो डिजिट्स इनफ हैं। पार्ट नंबर थ्री में भी हम बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट इसके ऊपर ले लेंगे जी, लेट कर लेंगे इसको एक्स के इक्वल, लेट एक्स इक्वल टू दिस होल जो क्वेश्चन है वो, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे, अब यहाँ देखें ऊपर भी दो नंबर्स हैं, नीचे भी दो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे जब लॉग अप्लाई होगा तो लॉग 25.36 मल्टीप्लाई को प्लस लॉग 3.4569, डिवाइड की जगह आएगा जी माइनस लॉग 9.87, और क्योंकि ये भी नीचे माइनस है 8.93 नीचे ही मौजूद है तो उसका भी माइनस में ही लॉग आएगा, हालांकि वो मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आता है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है। तो आप अपने माइंड में ये आसान चीज़ रखें कि जो नंबर्स नीचे होंगे वो जो डिवाइड में होंगे उनके साथ माइनस ही आएगा। तो अब इनके हम लॉग्स ले लेते हैं विद यूजिंग कैलकुलेटर। लॉग 25.36 इज 1.4041 प्लस लॉग 3.4569 0.5368 है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, माइनस लॉग 9.87 0.9943 एंड लॉग 8.93 इज 0.9508 है, और उसके आगे 5 है तो 5 के पीछे अगर इवन नंबर हो तो वो उसको राउंड ऑफ कर देता है और ओड नंबर को नहीं करता है, तो ये 9 आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा -0.002400 और यहाँ पे लॉग एक्स है और एक्स इक्वल टू एंटी लॉग -0.002400, इसका हमने एंटी लॉग लेना है तो शिफ्ट लॉग ऑफ आंसर यह आ जाएगा x इक्वल टू 0.994 और 8 क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ करेगा 4 को तो ये 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह जिसमें आपने लॉग कॉमन लिया था, तो इसमें भी आपने लॉग कॉमन लेना है। तो जब आप यहाँ से लॉग कॉमन लेंगे तो लॉग ए स्केयर ओवर बी सी प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में बी स्केयर ओवर सी ए, और ये वाला प्लस चेंज होगा मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर ओवर ए बी। अब आपने कटिंग करनी है जी, तो लॉग यहाँ पे आप देखें कि ए स्क्वायर है, तो ये पहले इसको आप बल्कि दो दफ़ा लिख लें ताकि कटिंग करने में आसानी हो। ओवर ए बी, अब यहाँ पे देखें जी एक ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिलेशन करते हैं, और एक ए यहाँ से नीचे से कैंसिल होगा, एक बी यहाँ से कैंसिल होगा और एक ये बी यहाँ से कैंसिल होगा, ये सी इधर से कैंसिल होगा और एक ये सी यहाँ से कैंसिल होगा, तो सारे कैंसिल हो गए, जो आंसर बचेगा 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा लॉग 1, जो कि इसका लॉग 1 का आंसर होता है 0, जो कि आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं ये आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 3 लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3 प्लस लॉग 5, और इसका आंसर लॉग 360 आना चाहिए, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो साइड पे है उसको ले जाना है पावर में, लॉग 2 पावर 3 प्लस लॉग 3 पावर 2 प्लस लॉग 5, और अब यहाँ पे लॉग ले लेना है कॉमन, तो ये आ जाएगा जी लॉग 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे हम ध्यान रखना है क्योंकि आपने लॉग कॉमन लिया तो जो प्लस वाले हैं वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा लॉग 2 पावर 3 इज 8, 3 पावर 2 इज 9 एंड दिस इज 5। इसको आप कैलकुलेटर भी करेंगे तो लॉग 5 8 टाइम 40 एंड 49 टाइम 360 लॉग 360 आ जाएगा विच इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 इज 5 लॉग 3 माइनस लॉग 9 इक्वल टू लॉग 27, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं 5 log 3 माइनस log 9, और जो कि log के साइड पे है वो आ जाएगी पावर में, 3 पावर 5 हो जाएगा माइनस log 9। अब इसमें से log हम कॉमन ले लेंगे और जो
थ्री पावर फाइव ऊपर आएगा और जो माइनस का साइन है वो हो जाएगा डिवाइड में चेंज, तो अब यहाँ पे आएगा लॉग थ्री पावर फाइव इज़ 243/9। तो अब इसकी कटिंग करनी है, यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से या कटिंग कर लें तो यहाँ पे 27 बचता है, तो लॉग 27 जो कि राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इन क्वेश्चन को करने का और मेथड भी है, लेकिन ये मेथड मुझे ज़्यादा ईजी लगा। तो आप इसमें भी ऐसा करेंगे कि लॉग कॉमन ले लें, बल्कि पहले इससे पहले थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमारे पास जो ये लॉग है ये सिंपल नहीं है, सर 2 है, तो पहले 2 को पावर में लेके जाएंगे, 32/243 और माइनस लॉग 5/9 पावर 2 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। इधर इसका स्केल ओपन करेंगे, लॉग 75/16 प्लस लॉग 32/243 माइनस लॉग 25/81 आ जाएगा। स्केल ओपन करेंगे, अब आपने इसमें से लॉग कॉमन ले लेना है। लॉग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 75/16 प्लस चेंज होगा मल्टीप्लाई में 32/243 और माइनस चेंज हो जाएगा जो डिवाइड में 25/81। यहाँ मैंने डिवाइड का साइन इसलिए डाला क्योंकि दो नंबर्स थे, वरना इसको हम डिवाइड करके ऐसे लिख लेते हैं। तो अब इसको ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए 32/243 और ये जो डिवाइड का साइन है इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 81 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब आपने करनी है जिसकी कटिंग, तो लॉग 16 2 टाइम्स 32 25 3 टाइम्स 75 एंड 81 3 टाइम्स 243। तो आपके पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एंड पे आंसर आएगा लॉग 2 जो कि राइट हैंड साइड है। तो इसकी अगर आप कटिंग नहीं आपको आ रही है या फिर आप नहीं कटिंग कर सके सही से, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ऊपर वालों को अलग मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को अलग मल्टीप्लाई कर लें, देन डिवाइड कर लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वैसे कटिंग भी आप कर सकते हैं, नो इशू। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमने वही लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, लॉग 11/13/2 प्लस लॉग 130/77 माइनस लॉग 55/91 और ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। पहले इसका स्केयर ओपन कर देते हैं, 11 स्केयर इज़ 121 एंड 13 स्केयर इज़ 169 प्लस लॉग 130/77 माइनस लॉग 55/91। अब हमने लेना है जी लॉग कॉमन, तो लॉग कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 121/169 प्लस चेंज होगा मल्टीप्लाई में 130/77 और माइनस चेंज हो जाएगा जी डिवाइड में 55/91। अब इसको लॉग 121/169 मल्टीप्लाई 130/77 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में 91/55। अब करेंगे जी इसकी कटिंग, यहाँ पे कटिंग करते हैं जी 11 टाइम्स 121 होता है, 11 7 टाइम्स 91 होता है और फर्दर 7 को आप कर सकते हैं 91 से कटिंग, 7 टाइम्स 7 एंड 7 13 टाइम्स 91। अब इस 11 को इससे कटिंग करें, 11 1 टाइम 11 11 5 टाइम 55 फर्दर 5 1 टाइम्स 5 5 2 टाइम्स 10 एंड दिस इज 3 5 6 टाइम 30। नाउ दिस 13 गोज विद 169 13 टाइम 169 एंड दिस 13 गोज विद 26 32 टाइम्स 26, तो लॉग 2 इसका आंसर आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। नंबर 7 में हमने शो करनी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी कि आपने लॉग 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 को शो करना है कि वो लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3 के इक्वल है। तो इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो लॉग 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो लॉग 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो लॉग 6 आ जाता है जी 0.7781। नाउ राइट हैंड साइड को चेक करते हैं जो कि है लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3। तो यहाँ से लॉग 1 की वैल्यू निकालें,
तो लॉग वन आता है जी ज़ीरो प्लस लॉग टू की वैल्यू निकालेंगे और लॉग थ्री की वैल्यू निकालेंगे, तो ये दोनों का आंसर जो है ऐड जब करके 0.7781 आता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह है, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 log 4, और इसके ऊपर वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो कि हमने पहले अप्लाई किए हैं कि जो नंबर लॉग के साथ मौजूद है वो पावर में जा सकता है। तो इसको हम ले लेंगे लॉग 4 power 3, ताकि लॉग कॉमन लेने में आसानी हो। तो इसके साइड वाले जो नंबर्स हैं वो चले जाएंगे पावर में, तो लॉग 64 power 1/3 माइनस लॉग 16 power 1/2। अब 4 power 3 इज़ लॉग 4 power 3 64 प्लस लॉग 5 power 2 इज़ 25 माइनस लॉग, अब 64 के फैक्टर्स हम बना लेते हैं, तो 4 power 3 जो है वो 64 होता है, ताकि ये जो है कैंसिल हो जाए 1/3 से, माइनस लॉग 16 को लिखेंगे 4 power 2, ताकि ये 1/2 से कैंसिल हो जाए। उसके बाद ये बचेगा लॉग 64 प्लस लॉग 25 माइनस लॉग 4 एंड माइनस लॉग 4। तो अब इसमें से लॉग कॉमन ले लेते हैं, लॉग कॉमन लेंगे 64 प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में 25 ओवर जो 4 है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई 4, क्योंकि जो नीचे 2 के साथ माइनस है वो नीचे दोनों आएंगे और आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अब यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई 25 होता है जी 1600, लॉग 1600 और 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16, तो 1600 को जब 16 से कट करेंगे तो ये बनेगा लॉग 100, और लॉग 100 का आंसर होता है जी 2। तो दिस इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, और इसको आपने बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन किए हैं। बाकी स्टेप्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह किए हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उसके ऊपर प्लस अप्लाई हो गया लॉग के साथ, और लॉग 69.13 का आंसर आता है 1.8396। तो 66 के साथ जब राउंड ऑफ करेगा तो ये 7 हो जाएगा, 0.34 का लॉग, इसका लॉग आता है माइनस 0.4685 एंड प्लस लॉग 0.014, इसका आंसर आता है माइनस 1.8539 हो जाएगा। इनको सबट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर आता है माइनस 0.4827, और उसका एंटी लॉग लें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.3291 हो जाएगा, जब 7 राउंड ऑफ करेगा 0 को, तो x इक्वल टू 0.3291 ये आंसर आ जाएगा। लर्नर्स पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरह ही है, तो हम इसका पार्ट 3 करते हैं, और जैसे कि पहले हमने लेट किया उसके बाद लॉग अप्लाई करेंगे, तो इस पर जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 4, और ये डिवाइड बाय 3 है तो ये माइनस लॉग 3 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा प्लस लॉग 3.142, और ये भी आ जाएगा प्लस लॉग 1.5 स्क्वायर। तो ये जो पावर 2 है ये आपको पता है कि साइड पे आ जाती है, तो इसको साइड पे लिखेंगे प्लस 2 log 1.5। अब इन सब के हमने लॉग्स निकालने हैं, लॉग 4 इज 0.6020 माइनस लॉग 3, तो यहाँ पे मैंने सबके लॉग्स जो हैं वो निकाल ली हैं, और जो 2 log 1.5 था इसमें हम जस्ट लॉग 1.5 लेंगे और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है 0.9743, और इसका हमने ले लेना है एंटी लॉग, तो शिफ्ट लॉग अप्लाई करके आंसर पे आंसर आता है 9.4254, एक्स इक्वल टू 9.42, और इसको हम जो है 4 टू 5 तक जस्ट लिख सकते हैं आंसर। इसका पीछे जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि अगर आपने जो लॉग से इसका आंसर निकाला है एक्स का, अगर आप इसको सिंपली जैसे विदाउट एनी लॉग आप इसको कैलकुलेटर पे करें, जैसे 4 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें 3.142 से और मल्टीप्लाई कर लें 1.5 स्क्वायर से और डिवाइड करना है 3 से,
तो आपके पास जो आंसर आता है वो यही आता है 9.5426 या 4258 की बात है। तो यहाँ पे आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो ये बहुत बेस्ट वे है आंसर चेक करने का। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे मैंने लेक्ट कर लिया एक्स को क्वेश्चन के इक्वल और लॉग अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे। उसके बाद हमने इसके ऊपर वही प्रॉपर्टीज़ लगानी है लॉग की, ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज होगा। अब इन सब के हमने लॉग लेने हैं। इससे पहले जो पावर है वो 2 वो आ जाएगी साइड पे, 2 लॉग 25.36। आप यूजिंग कैलकुलेटर इसके लॉग्स लेंगे तो इसका जी सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद आंसर आता है -0.4601, जिसका एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.3466। दिस इज आंसर। सो लर्नर्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। लॉन्ग के लिए लाजमी रिपीट होता है तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग 0.9876 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, लॉग 16.42 स्क्वायर डिवाइड माइनस लॉग 4.567 पावर 1/3। अब जो पावर्स हैं उनको साइड पे लिखेंगे तो इसकी जी वर्किंग करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 160.5। तो लर्नर्स, क्योंकि पहले मैं आपको काफ़ी दफ़ा इसकी वर्किंग बता चुकी हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर लिया। आई होप के यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो इसको जी आपने थोड़ा सा ये देखें, आप इसके ऊपर स्केयर रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप इसको पहले क्या करेंगे कि इसके लिख लेंगे पावर में। जो स्केयर रूट की पावर होती है वो होती है 1/2, तो हम सबको लिख लेते हैं पावर में। तो 3 और 0.0125 इसकी पावर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 31.15 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.0081 एंड पावर 1/2, क्योंकि इस पूरे के ऊपर स्केयर रूट है और दो अंदर स्केयर रूट हैं तो इस पूरे के ऊपर भी 1/2 आएगा। अब जब पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 सबसे पहले चला जाएगा 1/2 और ये लॉग इसका सबका आएगा। इसको दोबारा ब्रैकेट लिख लेते हैं क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर जो है वो साइड पे आ जाती है। अब हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है, लॉग 3 0.0125 पावर 1/2 मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे लॉग, और ये जो है 1/2 सबके साथ आएगा, लॉग 31.15 पावर 1/2 और डिवाइड का माइनस लॉग 0.0081। पावर्स को जी लिखेंगे साइड पे, जो पावर्स ऊपर मौजूद हैं उनको साइड पे लिख लेना है हमने। और बल्कि ये जो लॉग 3 है यहाँ पे दरमियान में इसके मल्टीप्लाई का साइन है तो लॉग 3 यहाँ पे प्लस लॉग 0.0125 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 0.0125 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन मौजूद नहीं है लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसलिए जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई का दरमियान में साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब पावर्स को हम साइड पे लिखेंगे और इसके लॉग्स निकालेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली वर्किंग की है मैंने और आप यहाँ पे अपने जो कैलकुलेटर से आंसर्स चेक कर सकते हैं। इसका एंटी लॉग लेने के बाद आंसर आता है 48.1, विच इज़ द आंसर, इस 48.01 आंसर। तो ज़्यादा वैल्यूज़ को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे और बिल्कुल वैसे ही आपने पावर्स को ओपन करना है, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे और आसानी से हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बहुत ही कंसंट्रेशन से आपने करना है ताकि कोई भी वैल्यू गलत ना हो। और ये सारी जो नीचे वाली है माइनस में आएंगी। सिलेंडर इसकी प्रॉपर वर्किंग के बाद आंसर आता है 1964। अगेन आप सारे कैलकुलेशन यहाँ स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। पार्ट नंबर 8 में भी बिल्कुल वैसे ही लेट किया एक्स के इक्वल और लॉग अप्लाई किया बोथ साइड पे, और इसके बाद जो पावर्स हैं हम इसको अब साइड पे लिखेंगे लॉग के। अब कैलकुलेटर से लॉग लेंगे और जो बाहर इसके नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई या डिवाइड जो होगा उस तरह से करते हैं। इसका एंटी लॉग लेने के बाद आंसर आएगा 2.08। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में आपने इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं वो सोल्व करनी है यूजिंग लॉग, और जो आपको यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं पहले वो पुट करेंगे, उसके बाद लॉग अप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, जी की वैल्यू ये आ गई और एल की वैल्यू ये 2 और 3.142 पाई की वैल्यू है।
और ये जो स्केयर रूट है इसकी पावर आएगी 1/2। अब हमने लॉग लेना है बोथ साइड पे और वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है। अब क्योंकि ये जो पावर 1/2 है पूरी ब्रैकेट पे है तो ये सबसे पहले बाहर आ जाएगी, लॉग से पहले आएगी और बाकी ब्रैकेट पे लॉग अप्लाई होगा। अब इस ब्रैकेट पे लॉग अप्लाई करना है और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे प्लस में और डिवाइड को चेंज करेंगे माइनस में। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इन सब के लॉग्स निकालने हैं। लॉग्स अप्लाई करने के बाद हम इससे अब प्लस एंड माइनस जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा वो करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय 2 करने के बाद आंसर आया 1.4425। ये था जी लॉग वी के इक्वल, और वी इक्वल टू लॉग वहाँ जाके एंटी लॉग होगा और जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आता है वी इक्वल 27.70। क्वेश्चन नंबर 10 है एच इक्वल टू आई स्केयर आर टी और 4.2 और एच आई आर ओ टी की वैल्यू दी हुई है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और अब इस पर लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड पे। लॉग अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और डिवाइड को माइनस में चेंज किया और जो पावर है अब नीचे आएगी। कैलकुलेटर से लॉग अप्लाई निकालने के बाद अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 1.8286। अब हमने क्योंकि h फाइंड करना है तो लॉग वहाँ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, h इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.8286। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 67.39 जो कि फाइनल आंसर है। ओके लर्नर्स, एक्सरसाइज 6.5 के लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच गए हैं जिसमें हमने h फाइंड करना है और इसमें भी वैल्यूज़ आपको गिवन है तो आप वैल्यूज़ पहले निकालें, इसमें पुट करेंगे और उसके बाद इसका लॉग अप्लाई करते हुए आंसर निकालेंगे। लेकिन लॉग लेने से पहले यहाँ पे ये मसला है कि आप जब लॉग अप्लाई करेंगे तो दरमियान में माइनस है तो माइनस के ऊपर लॉग अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि लॉग डिवाइड को माइनस में साइन में चेंज करता है लेकिन माइनस को फर्दर आगे कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे कि आ जाएगा 1190 ओवर 3.14 मल्टीप्लाई 83.6 का स्केयर और 62.54 का स्केयर लेंगे तो इसको जी स्केयर लेने के बाद जो माइनस करने के बाद आ जाता है 3095.2। अब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस करने के बाद ये आता है जी -0.9120। और अब इसका एच फाइंड करने के लिए लॉग वहाँ ले जाएंगे जो कि एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लेने के बाद फाइनल आंसर आएगा 0.1224। सो लर्नर्स, ये एक मेन एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो काइंडली लाइक कर लें वीडियो को और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।